ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू उपाध्याय क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने टेम्पलेट को डिजाइन करने में। ओके, सो इसके लिए टैग यूज होता है फॉर्म। फॉर्म इसको मैंने क्लोज किया और इसको फिर मैंने फॉर्म टैग को क्लोज किया। अब इस सेक्शन में मैं लिखूंगा अपना, तो स्टार्ट करूंगा मैं इस तरीके से इनपुट, क्योंकि फॉर्मेट ये होगा, मुझे इनपुट देना है इसमें। ओके, इनपुट इज इक्वल्स टू, किस टाइप का इनपुट है ये, तो मैंने लिखा इनपुट इज इक्वल्स टू प्रेसेस के अंदर लिखा, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो टेक्स्ट। ओके, नाउ मैंने इसे क्लोज किया। सो जैसे मैंने इसे सेव किया और इसे रन किया, तो आप देखो ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसके आगे मैं चाहता हूँ एक कोई वैल्यू शो हो रही हो एक बॉक्स में, सो मेरा फिर से सेम सा पैटर्न, इनपुट इज इक्वल्स टू, और फिर मैंने इस बार लिखा कि मुझे क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है। सो मैंने बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, सो बटन मैंने क्रिएट कर दिया। अब बटन में क्या चीज़ें शो होनी चाहिए, तो मैंने एक वैल्यू लिखा कि वैल्यू मेरी क्या शो होनी चाहिए। ओके, सो वैल्यू इज इक्वल्स टू, और उसमें शो टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, तो मैंने शो ये टेक्स्ट लिख दिया। ओके, सो इसे मैंने क्लोज कर दिया। अब जैसे मैंने इसे सेव करके इसे रन किया, ओके, यहाँ एक एरर थी एंड में, ये पॉइंट हो गया था। ओके, सो जैसे मैंने इसे सेव करके इसे रन किया, सो देखो यहाँ पे एक शो आ गया। अब फिर से इस बार एक एरर है, तो यहाँ पे मैंने बैक किया और यहाँ देखा वैल्यू इक्वल्स टू, मैं चेक करता हूँ, यहाँ देखो बटन क्या आ गया, ये ब्रेसेस करना छोड़ गया। अब मैंने इसे सेव किया और जैसे मैंने इसे रन किया, ओके, सो रन करते ही यहाँ पे ये शो टेक्स्ट आ रहा है। सो मैं इसमें चेक करता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। बटन इक्वल्स टू, ओके, सो वैल्यूज इक्वल टू शो, ये ब्रेसेस पे मेरी क्लियर है, बंद है। ओके, ओके, इनपुट के आगे मैंने टाइप नहीं दिया, ये कौन सा टाइप है। ओके, सो मैंने टाइप दिया और इसे मैंने सेव किया और इसे मैंने रन किया। सो जैसे रन किया, अब देखो क्लियर से मेरा शो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे कुछ चेक बॉक्सेस भी आएँ, जैसे रेडियो बटन्स हैं जिसमें मैंने ये सेलेक्ट कर सकूँ कि जो पर्सन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा है वो मेल है या फीमेल है, या उसे कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, या कौन कौन सी थ्योरेटिकल भाषाएं वो बोल सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है। तो मैं फिर से मैंने इनपुट दिया, ओके, सो इनपुट के अंदर इस पर टाइप मेरा कैसा होगा, चेक बॉक्सेस टाइप होगा, तो टाइप इज इक्वल्स टू, और इसके मैंने अंदर डाला इस पर रेडियो होगा। ओके, सो रेडियो, और इसके अंदर मैं क्या चीज़ें उनसे फेच कराना चाहता हूँ वो चीज़ें मैं लिखूंगा। सो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये मैंने पहले इसे क्लोज़ किया, मैं क्लोज करके पहले दिखाता हूँ कि वो मैं देखना चाहता हूँ कि इनका जेंडर कौन सा है। तो मैंने पहला दिया कि मेल, और इसे मैंने स्टार्ट किया फिर वही सेक्शन से, दिस इज इनपुट। ओके, इनपुट एंड टाइप क्या है इसका, टाइप इज इक्वल्स टू, इसका रेडियो बटन है, तो मैंने इसे रेडियो बटन के अंदर लिखा। ओके, रेडियो, ओके, फिर ये मैंने मेल सेक्शन का बना दिया। अब इसको मैंने क्लोज किया, ओके, एंड फिर मैंने फीमेल सेक्शन के लिए भी यही चीज़ें बनानी है, तो फीमेल सेक्शन के लिए भी मैं यही चीज़ लिखूंगा। तो फिर इसके आगे मैं फीमेल के लिखता हूँ, तो एफ ई एम एल एंड दिस अगेन सेम सेक्शन इनपुट। ओके, एंड टाइप क्या रहेगा मेरा, सो ये टाइप मेरा अगेन कैसा रहेगा, रेडियो। ओके, ओके, अब यहाँ देखो एक एरर, या मैं टाइप की स्पेलिंग गलत होगी, टाइप इक्वल्स टू, इक्वल्स टू लगाना है मुझे, इक्वल्स टू रेडियो, और इसे मैंने क्या किया, इसे यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। ओके, अब जब इसको मैं रन करता हूँ तो देखो क्या होता है। ओके, सो ये मेल और फीमेल दो सेक्शंस आ गए। ओके, मैं चाहूँ इसे पॉइंट कर सकता हूँ, चाहूँ इसे पॉइंट कर सकता हूँ, चाहूँ जिसे भी पॉइंट कर सकता हूँ, पर एट अ टाइम एक पर्सन मेल फीमेल दोनों नहीं हो सकता, तो मुझे किसी एक को सेलेक्ट कराना है। तो एक को सेलेक्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि ये कैसे कंटेंट्स हैं। तो मैंने इसे लिखा कि इसका नेम मैंने दे दिया, मान लो मैंने इसका नेम दिया, नेम है मैंने कुछ भी दे दिया, लेकिन मुझे दोनों का नेम सेम देना होगा ताकि एट अ टाइम कोई एक चीज़ सेलेक्ट हो। तो मैंने इसे दे दिया जेंडर, ओके, और सेम नेम मैंने इसे भी दे दिया। ओके, सो फीमेल के सेक्शन में भी मैंने सेम टेक्स्ट दिया, सो टाइप रेडियो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने एक नेम दे दिया, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। ओके, सो इज इक्वल्स टू जेंडर, सो इसके अंदर मैंने लिखा जी ई एन डी ई आर। यहाँ मैंने इक्वल्स टू लगाना भूल गया, तो नेम के बाद मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू। ओके, सो जैसे मैंने सेव किया और इसे रन किया, तो आप एट अ टाइम देखो, अगर आप इसे क्लिक करोगे फिर इसे क्लिक करते हो तो ये छूट जाएगा, और इसे क्लिक करोगे तो ये छूट जाएगा। सो एट अ टाइम कोई मेल और फीमेल एक ही चीज़ हो सकता है। अब इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि कौन कौन से लैंग्वेजेस इसे आती हैं, ये सारे टेक्स्ट मुझे भरने हैं, तो फिर सेम कंटेंट होगा, सेम इस बार मेरा कंटेंट क्या होगा, चेक बॉक्स टाइप होगा। तो मैंने क्या किया, इनपुट इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मेरा कंटेंट आएगा चेक, ओके, चेक बॉक्स। ओके,
सो चेकबॉक्स, फिर मैंने इसे क्या किया, क्लोज किया। अब चेकबॉक्स में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, तो मैं इसे देखता हूँ कौन कौन से, इंग्लिश। ओके, इंग्लिश का फिर से मैंने बनाया कि किस तरीके के होंगे, तो ये होगा मेरा, मैंने इनपुट टाइप इसको दिया चेकबॉक्स टाइप का। सो इनपुट इज इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर लिखा चेकबॉक्स। ओके, सो चेक बॉक्स। ओके, नाउ चेक बॉक्स के बाद मैंने इसे क्लोज किया। सो ये क्लोज हो गया। अगला आया मेरा क्या होगा, हिंदी मैंने दे दिया अगर इसे, तो हिंदी के लिए HINDIN इसको मैंने दे दिया। इनपुट टाइप मेरा कैसा होगा इसमें, इनपुट टाइप विल बी इज इक्वल्स टू, ये फिर अगेन चेक बॉक्स टाइप का है। ओके, सो हो सकता है एट अ टाइम एक पर्सन को दोनों लैंग्वेजेस आती हूँ, तो मैंने इसे कर दिया क्लोज। ओके, अब जब मैं इसे सेव करके इसे रन करता हूँ तो देखो क्या आता है, नीचे यहाँ आ गया। सॉरी, इसमें कुछ एरर है, मैं देखता हूँ कहाँ एरर है। चेक बॉक्स इज इक्वल्स टू, ओके, इंग्लिश एंड इनपुट टाइप, इनपुट टाइप मैंने टाइप में लिखा। सो मैंने लिखना है इनपुट टाइप। ओके, और यहाँ भी मैंने इनपुट टाइप छोड़ रखा है, तो मैंने लिखना है स्पेस करके इनपुट टाइप। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ, एक बार इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सो ये इनपुट आ गया। ये चाहो तो मैं इंग्लिश ले सकता हूँ, चाहो तो मैं हिंदी ले सकता हूँ, जो भी चीज़ें चाहूँ, और मैं कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है मुझे आती हो, तो मैं जो चाहूँ वो टैग ले सकता हूँ। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक सो डू सब्सक्राइब और शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।